हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर यानी एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जून 2016 का है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, मतलब जो हमारा भारत का जो संविधान है पार्ट टू, यानी है तो हमारा एक ही जगह लेकिन आधा हिस्सा हमारा एलएलबी फर्स्ट सेम में दे दिया जाता है, आधा हिस्सा एलएलबी सेकंड सेम में दे दिया जाता है। और हमारे एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जून 2016 लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकेंड, कोड है 2002। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 100 और टाइम से 3 आवर्स। चलते हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब हम अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपरों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रीवियस ईयर के पेपरों को ही देख कर हमारे नेक्स्ट ईयर के पेपरों को सेट करता है, जिससे कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनसे सेट हो जाता है और फिर हमारा एग्जाम में पेपर बनकर तैयार हो जाता है। तो देखते हैं कौन सा है 2016 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे उन्हें देखते हैं। खंड ए, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, अधिकतम 75 शब्दों में, अति लघु उत्तर अपेक्षित। मतलब इसमें जो है अति लघु दिए गए हैं, 5 और 5ों के 5ों करने हैं और प्रत्येक जो 4 अंक का है यानी 5 × 4 यानी 20 नंबर के हैं ये 5ों क्वेश्चन। तो पहला देखते हैं, छदम विधायन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा तथा किस आधारों पर की जाती है। फोर्थ नंबर का है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिफ्थ नंबर का है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है। ये थे हमारे अति लघु, जो हमारे 5 आते हैं, 5ों के 5ों हमें करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक 4 अंक का होता है। आप एक डायरी ले लेना, कोई बुक ले ले, नोटबुक ले लेना, उसमें इन क्वेश्चनों को उतार लेना, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पूरा 100 नंबर का पेपर सेट होता है, ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं खंड ब पे। खंड ब है सेक्शन बी, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित। तो मतलब इसमें 3 क्वेश्चन हमें दिए गए होते हैं, 3 में से हमें चूज करके 2 करने होते हैं और प्रत्येक 10 अंक का होता है। तो 10 × 2 हो गए हमारे 20 नंबर के, ये 20 नंबर के, ये भी 20 नंबर के हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सरकार के अपने कर्मचारी द्वारा किए कृत्यों के अपकृत्यात्मक दायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, संसद के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का वर्णन कीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अब आता है हमारा खंड से, सेक्शन सी, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, विस्तृत उत्तर प्रश्न। ये हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, हमारे 5 क्वेश्चन वहां पर आएंगे एग्जाम में, 5 में से हमें कोई भी 3 चूज करके उनको सॉल्व करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है। और तो इसी प्रकार से 3 × 20 हो गए 60, 60 नंबर के हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों एवं संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। दूसरा है, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत एवं न्यायिक कृत्य है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। निर्णितवादों की सहायता से मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की व्याख्या कीजिए। संसद कब राज्य सूची के
किस विषय पर विधि बना सकती है। यह था हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर शक्तियों की विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, उसको और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। यहां पर क्या कहा गया है कि प्रदत्त व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। तो यह था हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उम्मीद करता हूं यह वाला क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रीवियस पेपर, आप इनका नोट्स बना लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा और इनको उतार कर रख लो। इन्हीं के आधार पर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आप मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, मैं आपको बिल्कुल भी फेक नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको मैं भ्रम में डाल रहा हूँ। नहीं, मुझे ये है कि भाई मेरा YouTube चैनल ज़्यादा चले, ज़्यादा व्यू आए, ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ YouTube पर वो ही चीज़ आपको दूंगा जो आपके लिए कामयाब हो। इधर से उधर की वीडियो मैं बनाना ही नहीं चाहता, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और जब आपके इन्हीं के आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और उनको सॉल्यूशन करके आपको देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।